क्वेश्चन है, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग विद ए सेल इज इट एट लेंथ 240 सेंटीमीटर। ऑन सेंटिंग द सेल विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 120 सेंटीमीटर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, इसने कहा है कि पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग विद ए सेल इज इट लेंथ 240 सेंटीमीटर, यानी कि L1 हमें इसको बैलेंस कर रही है, तो L1 क्या है हमारे पास 240 सेंटीमीटर। अगर ऑन सेंटिंग द सेल विद ए रेजिस्टेंस 2 ओम, अगर इसको सेंटिंग कर दिया जाता है 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, ओके, देन बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 120 सेंटीमीटर, यानी कि L2 हमारे पास क्या हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर बैलेंसिंग लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की 240 सेंटीमीटर दी जाती है, अगर उसको सेंटिंग कर दिया जाए 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, तो बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है 120 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। हमें पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, L1 माइनस L2 डिवाइड बाय में L2 इनटू में R। L1 हमें दे रखा है 240 माइनस 120 डिवाइड बाय में 120 इनटू में R हमें दे रखा है 2 ओम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120 डिवाइड बाय में 120 इनटू में 2, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें लगेगा। दिस इज द क्वेश्चन।